शशि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शशि शर्मा जी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजेंद्र नगर शील चौराहा बरेली पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, सोसाइटी के संरक्षक व वरिष्ठ समाज सेवी रजनीश सक्सेना, विशिष्ट अतिथि पूरन लाल लोधी, व्यापारी नेता रामकृष्ण शुक्ला रहे। शिविर में 22 लोगों ने रक्तदान कर संस्था के प्रयास को सार्थक किया। रक्तदान शिविर में हेमेंद्र, विशाल मल्होत्रा, मनीष रस्तोगी, मुकेश तिवारी, मंजीत ठाकुर, रोहित राकेश, वाणी पाराश्री, अनीता शर्मा, उपासना पाठक, नीतू मिश्रा, वंशिका सक्सेना, दीपाली मिश्रा, ऋतु अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। पत्रकार बंधु में आप बीती यूज के जिला संवाददाता कौशिक टंडन, नगर संवाददाता सचिन पाठक, विशाल रस्तोगी व सिटी यूज के संवाददाता अमृजीत का विशेष योगदान रहा। अंत में आभार संरक्षक रजनीश सक्सेना ने किया। नगर संवाददाता सचिन पाठक के साथ सहयोगी विशाल रस्तोगी की रिपोर्ट। वो भी बधाई के पात्र है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। धन्यवाद। मैं इस परिवार का कृतज्ञता व्यक्त उन्होंने उनकी सोच है कि माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने दूसरों की भलाई की बात, खासतौर से ऐसे मरीजों के बारे में सोची जिनको जब खून की जरूरत होती है खून नहीं मिलता है। आज जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, मैं उसके लिए उस परिवार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और साथ साथ जो हमारे डोनर्स हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आपका एक यूनिट दिया हुआ खून 4 लोगों की जान बचाता है। और खून इंसान का खून इंसान नहीं बनता है, किसी पेड़ पे नहीं उगता, किसी खेत में नहीं पैदा होता, किसी इंडस्ट्री में नहीं बनता। इंसान का खून सिर्फ इंसान के जिस्म में बनता है और खून की कमी होने पे खून चढ़ाया जाता है। तो मैं इसके लिए सभी हमारे रक्तदाताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा और सम्मान के साथ उनके प्रति अपना मस्तक झुकाता हूँ कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरह की सोच वही कर सकता है जिसके दिल में दूसरे की मदद करने की, दूसरे की दुख दर्द समझने का जज्बा होता है और दूसरे की मदद करके जो अपने दिल को सुकून मिलता है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और इस बात का अनुभव वही कर सकता है जिसके दिल में दूसरे का दर्द दूर करने की तमन्ना। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा संदेश दिया। साथ में हमारे साथ में है ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशन के संस्थापक श्री रजनीश सक्सेना जी, उनसे उनके विचार जानते हैं। सर क्या धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा शशि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो आज ये आयोजन किया गया है। शशि जी की जो पुत्री है राशि पर शशि का आयोजन बहुत अच्छा किया आपने। हमने आयोजन आज मैं तो प्रयास और उम्मीद है कि शांति और शशि वेलफेयर सोसाइटी की जो संस्थापिका है राशि पर लेखक है, तो मेरे सुरक्षा में ये आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था क्योंकि एक्चुअली अभी हम लोगों ने एक रैली ऑर्गेनाइज किया था, अभी हम लोगों ने कोशिश की है और डॉक्टर का सुरक्षा आशीर्वाद शुरू से रही है। मनीष जी रोहित राकेश जी वहाँ से उपस्थित है, तो एक प्रयास हो रहा है और निरंतर ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। रक्तदान महादान की जो अलग डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने जगाई है वो परंपरागत रूप से आगे बढ़ती रही और डॉक्टर साहब का संरक्षण हमेशा से प्राप्त रहा है, आशीर्वाद रहा है, आगे भी ऐसे आशीर्वाद मिलेगा ऐसा हम आशा। जी आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है और इससे पहले भी हम लोग आई एम ए में बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। 25 लोगों का रक्तदान रहा, 65 लोगों ने वहाँ पर भी रक्तदान किया और हमारे साथ में एक हमारे बरेली शहर के प्रसिद्ध साहित्यकार वाली राशि पारेषण जी, तो उनसे जानते हैं कि इस रक्तदान के विषय में उनके विचार क्या है। आज जैसा कि विदित है मेरी माँ की 20वीं पुण्यतिथि है और माँ ही होती है। माँ की ममता का मोल कैसे चुकाऊँ मैं, माँ की ममता का मूल कैसे चुकाऊँ मैं, माँ जैसी शख्सियत कहाँ से लाऊँ। उनके लिए शब्द नहीं है, निःशब्द हूँ, बस यही रहता है कि हम हर पुण्यतिथि पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आज हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और लोगों से सबसे यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस अपुण्य कार्य में सहभागी बने और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि यदि हमारे रक्त की एक बूंद भी किसी के काम आती है और किसी का जीवन बचता है तो सच में हमारा जीवन सफल हो जाता है।